सरकार बोलती है हमारे लिए कश्मीर सेफ है, आप बोलते हैं ये पार्क सेफ नहीं है, सेफ है कश्मीर। मेरे भाई आप यकीन मानोगे, आप ये लोकल लोग हैं, उनको भैया तीन बार ये स्टैचू टूटा यहाँ ट्रक के साथ, एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे ड्यू टू एक्सीडेंट, हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए पार्क की गाड़ी कट जा रही है, चलो कोई बात नहीं हम यहाँ से पकड़ेंगे भाई, एक गाड़ी कट जा रही डंगी जगह पे लगाओ, यहाँ नहीं लगाने दूंगा मैं, डंगी जगह बताओ आपका, मैं बताना आपको कहाँ लगाना है। जम्मू में 43 डिग्री की टेम्परेचर में ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज अंबेडकर चौक में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन इसी बात पर कि कश्मीर घाटी में हम सेफ नहीं है, हमें जम्मू ट्रांसफर किया जाए। लेकिन आज तीन दिन तक इनका लगातार अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, आज ये यहाँ पर जब टेंट लगाने की कोशिश कर रहे थे तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन्हें यहाँ पर रोका, और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जो बातचीत हुई उसे भी सुनिए, तर्क यही दिया गया कि यहाँ पर अगर आप टेंट लगाएंगे अनसेफ एरिया है, यहाँ पर एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, यहाँ पर आप टेंट नहीं लगा सकते। सुनिए कि जब ये एम्प्लॉयज जो है वो पुलिस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे तो क्या बातचीत हुई। सरकार बोलती है हमारे लिए कश्मीर सेफ है, आप बोलते हैं ये पार्क सेफ नहीं है, सेफ है कश्मीर। हम अपनी कंट्री से पार्क भी मेरे भाई आप यकीन मानोगे, आप ये लोकल लोग हैं, उनको भैया तीन बार ये स्टैचू टूटा यहाँ ट्रक के साथ, एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे ड्यू टू एक्सीडेंट, हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए पार्क की गाड़ी कट जा रही है, चलो कोई बात नहीं हम यहाँ से पकड़ेंगे भाई, एक गाड़ी कट जा रही है। ये रोटरी है हमारी, यहाँ पे नहीं बैठ सकते, अगर आपने करना भी है बैठ दीजिए, बेहोश हो रहे, बुला देंगे आपको, धूप में बैठ जाएंगे, बच्चे को मारो, बात ठीक है, अगर टेंट लगाना डंगी जगह पे लगाओ, यहाँ नहीं लगाने दूंगा मैं, डंगी जगह बताओ आपका, मैं बताना आपको कहाँ लगाना है, ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, ये रोटरी है, आप बात समझ नहीं रहे हो, पढ़े लिखे मास्टर हो आप, टीचर साहब यहाँ पे पहले भी आया था, नहीं यहाँ कोई पढ़ा है, मेरे को 12 साल हो गए यहाँ पे जॉब करते हुए, एक मिनट आप बोले सेफ जगह नहीं है, सेफ हमारे लिए कश्मीर भी नहीं है, सर हम लिख के देते हैं अगर हमारे ऊपर कोई ट्रक चढ़ जाता ना हमें बहुत मुश्किल है, आप ले लो डीसी आवेदन, मैं ले जाऊं, लेके आ जाऊं आ जाके मैं नहीं रोकूंगा, आप अपना देखा था कि सब चीज है, हमें सर रसीद रसीद लाइए, अब आ जाएगी तो ले लेना, बैठ जाना, मैं कहां रुकूंगा, मेरी जोड़ का रुकने की, फिर अब ले लो, कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं आपको फिर सुनाऊं, आप सारे पढ़े लिखे लोग हो, अगर आपको कोई प्रोटेस्ट करना है धरना करना है उसके लिए एक परमिशन मिलती है, मैंने वो भी लो की आपको, अब आप टेंडर का के यहां से एक्सीडेंट प्रोन जगह पे बैठोगे वो मेरी मेरी बीमारी है, आप बात को सुनते हैं, अगर नीचे आपने डालना वो डाल लीजिए, अगर आपने जबरदस्ती करी तभी बताओ, आपने जबरदस्ती करी वो बात नहीं करनी। आपने सुना कि एम्प्लॉयज का साफ तौर पर ये कहना था कि यहाँ पर महिलाएं भी धरना दे रही हैं, महिलाओं के साथ बच्चे भी हैं, और इस 42 डिग्री के टेम्परेचर में अगर टेंट के बगैर यहाँ पर कोई धरना दे रहा है, कोई बेहोश हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन वही जम्मू कश्मीर पुलिस भी अपनी बात पर अड़ी रही कि ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, इस चौक में पहले भी एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, यहाँ पर स्टैचू को भी नुकसान पहुँच चुका है, इस पार्क को भी नुकसान पहुँच चुका है, यहाँ पर टेंट लगाना सेफ नहीं है, और साथ ही में उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि आप डिप्टी कमिश्नर से लिखवा कर ले आए कि यहाँ पर प्रदर्शन करने की परमिशन दे दी जाए तो आपको प्रदर्शन करने की परमिशन मिल जाएगी। इसको लेकर भी जो एम्प्लॉयज है उन्होंने कहा कि हमने परमिशन के लिए अपील डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जरूर की है, वो लेटर भी दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि इनसे यही कहा जा रहा है कि आप नीचे दरी बिछाना चाहते हो तो दरी बिछा सकते हैं, लेकिन ऊपर टेंट लगाने की परमिशन आपको नहीं दी जाएगी।